हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। ये देखो, बड़बड़ 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 एनी टाइम बड़बड़ अद्विक की। और हाँ गाइस, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैंने अपॉइंटमेंट ली है 7 बजे की उनकी। तो मैं जा रही हूँ हेयर स्मूथनिंग के लिए। और हाँ, सडनली प्लान हुआ क्योंकि काफ़ी दिनों से, 8 दिनों से मैं सोच रही हूँ जाने का, मतलब जाऊँ 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 जाऊँ। लेकिन पिछले सैटरडे फ्राइडे में उन्हें कॉल किया था मैंने, फ्राइडे को। तो उनको बोला था कि मैं आने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में उनको कॉल किया कि नहीं मैंने आने वाली, संडे को आऊँगी। संडे के दिन भी वैसे ही हुआ, संडे के दिन भी टाइम नहीं मिला। फिर अभी 2-3 दिन से सोच रही हूँ, तो 2-3 दिन से मेहमान थे घर पे और प्रोग्राम था यहाँ पे, तो इसी वजह से जाना नहीं हुआ। और अभी फाइनली सोच लिया। और आज ना, आज भी वैसे ही सुबह से सोच रही हूँ जाने का, सुबह से बोल के रखा है इन्हें, जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी। तो अभी फाइनली अभी टाइम मिल गया मुझे, अभी फ्री हुई हूँ। आज तो क्लीनिंग बहुत हुई लेकिन मैंने शूट नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि वही क्लीनिंग क्लीनिंग बार 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 दिखाओ। आपको तो पता ही है मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, और बहुत सारी क्लीनिंग की मैंने आज, मतलब पूरा घर क्लीन किया। तो शूट वगैरह कुछ भी किया नहीं आज। और हाँ, अभी निकलती हूँ। पापा ने गाड़ी निकाली क्या? हाँ। क्या खा रही हो आप? पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स। तो चलो फिर अभी देखो, अद्विक ना, अद्विक शू वगैरह पहन रहा है खुद के, उसके लग रहा है कि जा रहा है। तो अद्विक आपको नहीं लेके जाएंगे? नहीं नहीं आपको नहीं लेके जाएंगे। तो बंद किया दुर्गा, एक बोतल ले लो पानी की अभी के लिए। वो उसने चिप्स खाए ना अद्विक ने, गाड़ी में पानी मांगेगा वो। तो चलिए चलते हैं। अद्विक आपको नहीं लेके जा रहे? नहीं ना, नहीं आपको नहीं लेके जा रहे। आप लगा दोगी क्या गेट माही? चलो बाप रे बाप, किसने सिखाया आपको ये? हाँ किसने? हाँ कब 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 से कब बताया आपने माही ये? वो क्या बोल रहा है पता है? जब पापा ट्रेनिंग पर थे तो उस टाइम मैं आपके पेट में था बोलते हैं। ये इतना किसने सिखाया इसको ये? हाँ अद्विक, बाप रे इतना बकबक करता है ये, इतना मुझे भी ऐसे हंसी आ रही है मुझे। अद्विक चलो, अद्विक को सैंडल पहनना आ गया अभी। हाँ। है ना? हाँ। खुद पहन लेता है अद्विक अभी सैंडल। टी शर्ट पण घालता येते तुला? हो। ओ अद्विक ड्राइव करत आहे, समोर बघून कर ना मग मामा जी समोर बघायचं। छान छान ड्राइव करतो अद्विक। अरे बाप रे, हो गया वो ट्रेन अब। पापा को मम्मा को ट्रेन नहीं करते सिर्फ। हाँ कब करोगे मुझे ट्रेन बताओ? करेंगे ना अभी थोड़ा सा। कब? लेकिन हमारे यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं है तो कब ट्रेन करेंगे ये? कितनी दिनों से एक्चुअली मुझे आती है, एक मिनट मिर्ची जल हुए। एक्चुअली मुझे ना आती है ड्राइविंग, बट क्या है कि भूल गई हूँ कितने दिनों से की नहीं इसी वजह से। और अभी इनको बोल रही हूँ कब से कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ, मुझे ड्राइविंग सिखाओ। 4-व्हीलर का लाइसेंस भी है मेरे पास, फिर भी आती नहीं मुझे ड्राइविंग। आती है बट अभी भूल गई हूँ पूरा का पूरा, कौन सा क्लच है, कौन सा गियर है, कौन सा गियर किस में डालना पड़ता है सारा। तो अभी ये सिखाएंगे मुझे, जल्दी ही सिखाएंगे, जल्दी ही ब्लॉग आएगा आपके लिए। हाँ कब सिखाओगे? बस अभी। हाँ नेक्स्ट मंथ से चालू करेंगे। नेक्स्ट मंथ जल्दी ही ब्लॉग आएगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा नेक्स्ट मंथ करके बहुत दिन हो गया ऐसे कर रही है। और हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्मूथनिंग करवाने के लिए, तो इसी वजह से अभी। और आप मेरा न्यू लुक देखने के लिए बेकरार न्यू लुक देखने के लिए बेकरार एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, माही को एक्साइटमेंट हो रही है। तो मेरा ना, मतलब बहुत दिनों से मुझे स्ट्रेटनिंग, आप लोगों को पता ही है स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको उस ब्लॉग में भी बताया था जब मैंने हेयर कट कराया था, उस टाइम भी मैंने पूछा था उन्हें कि स्मूथनिंग का कैसा है, क्या है, क्या प्रोसीजर होती है वैसे। तो उन्होंने उस टाइम भी बताया था, बट उसी टाइम से मैं सोच रही थी कितने दिनों से कि मैं स्मूथनिंग करवाऊँ। आपने स्मूथनिंग कराया ना, मेरे बाल एक्चुअल मिक्स कर दिए।
अच्छा अच्छा स्मूदनिंग करवानी। चलो फिर जाते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। जावेद हबीब है एड्रेस ठीक। जल्दी आओगे ना लेने के लिए? हाँ आप तैयार होके बैठे लो बोला हम आते हैं। हाँ ठीक है बाय बाय। हे गाइस, जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा हेयर वॉश करते हैं, और अगर हम हेयर वॉश करके भी आए हैं तो भी वो वहाँ पर जाके हेयर वॉश करती है और एक दो बार अच्छे से शैम्पू लगा के वो हेयर वॉश करते हैं हमारा। और यहाँ पर मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो इनको मतलब ये भैया जो है मतलब इनको मैंने कॉल करके बोला था, तो इनको इन्होंने बोला था कि मैं फ्री रहूँगा उस टाइम, आप इस टाइम पे आना। मतलब एक घंटा पहले मैंने कॉल किया था, एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं कॉल कर रही थी उन्हें, बट जाना ही नहीं हो रहा था तो इसी वजह से अभी कॉल किया था तो चली गई थी फाइनली। और यहाँ पर ना वो हेयर वॉश करते हैं, मतलब अच्छे से शैम्पू लगा के एक दो बार शैम्पू वगैरह लगा के हेयर वॉश करते हैं, और उसके बाद टॉल ड्राई वगैरह नहीं करते हैं बालों को, इस तरह से बालों का सारा पानी निकाल लेते हैं और उसके बाद वो अच्छे से गीले बालों में ही क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रीम ना यहाँ पर उन्होंने लॉरियल का यूज़ किया था, मतलब मैंने पूछा था उनसे तो लॉरियल का यूज़ करते हैं बोल रहे थे। तो सभी चीज़ें मतलब ये जो पार्लर है यहाँ पर सारी चीज़ें लॉरियल की ही यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि लॉरियल कंपनी का ही हम सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो गीले बाल है उसी में जो क्रीम है वो लगाया जाएगा और सारा क्रीम अच्छे से लगाते हैं। मतलब ये जो क्रीम होता है ना तो वो स्ट्रेट होने के लिए मतलब बाल स्ट्रेट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसी तरह से वो गीले बालों में पहले कोम कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो ले लेके इस तरह से वो क्रीम लगाते हैं अच्छे से स्ट्रेट होने के लिए बाल, और इस क्रीम से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं बोलते हैं। उसके बाद वो उसी तरह से वो बाल हमें मतलब रखना पड़ता है आधे घंटे तक, वो हमें क्रीम लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद वो वॉश करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने सारे थोड़े थोड़े पोर्शन लेके सारी चीज़ों में मतलब सारे बालों में हमारा क्रीम लग जाना चाहिए, सिर्फ रूट को छोड़ के, मतलब स्कैल्प में नहीं लगाते हैं, स्कैल्प से थोड़ा सा दूर ऐसे करके वो बालों में पूरा वो लगाते हैं क्रीम, और अच्छे से लग जाना चाहिए, इसी वजह से वो छोटे छोटे पोर्शन में लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना मतलब वो छोटे छोटे पोर्शन ले रहे हैं, मतलब सेक्शन कर रहे हैं और छोटे छोटे सेक्शन में वो लगा रहे हैं, तो इसी तरह से वो सारे सेक्शन में लगाते हैं और सारे बालों में इसी तरह से क्रीम लगा के छोड़ देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कुछ बातें भी उनसे कर रही थी, मतलब वो उन्होंने कहाँ पर कोर्स किया है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये चीज़ें उनसे पूछ रही थी। तो यहाँ पर मेरा क्रीम जो है वो लग गया था और वो भैया बहुत ही मतलब कम्फर्टेबल फील करा रहे थे मुझे, मतलब और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी गाइज़, मतलब इतना टाइम बैठना पड़ा था क्रीम लगा के, आधे घंटे तक तो बैठना पड़ता ही है। तो माही से बात कर रही थी, माही एक्चुअली इन्होंने माही को छोड़ के मेरे पास छोड़ दिया था और आदविक को लेके चले गए थे, तो अच्छा हो गया था कंपनी देने के लिए मुझे माही, बट ना माही बोर होने लगी थी लास्ट में, क्योंकि इस प्रोसीजर को 3 से 4 घंटा लगता है, तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पर आधा घंटा हो गया था तो इन्होंने हेयर वॉश किया मेरा, तो यहाँ पर वो उनके साथ में ही काम करते हैं तो उन्होंने फिर हेयर वॉश किया यहाँ पर मेरा, और फिर शैम्पू से यहाँ पर हेयर वॉश नहीं होता एक्चुअली, जो क्रीम है वो पूरी निकल जानी चाहिए, तो इस तरह से हेयर वॉश होता है। और उसके बाद ना उन्होंने लॉरियल की ही स्पा क्रीम लगाने के लिए उनको बोला था, तो उन्होंने अच्छे से स्पा क्रीम लगा दी थी मुझे और थोड़ी देर मतलब रख दिया था, तो उसके बाद वो भैया ने फिर हेयर वॉश किया था मेरा, मतलब स्पा क्रीम लगाने के बाद भी एक बार हेयर वॉश होता है, और उसके बाद उन्होंने ब्लो ड्राई किया था मेरे बालों को, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो उसी टाइम काफ़ी ज़्यादा शाइन आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे थे बाल, बट उन्होंने ना मतलब पहले ही वो वैसे नहीं टॉयल ड्राई वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे ही गीले बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, और इस तरह से सारे बालों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइज इस सारी प्रोसीजर में, और बहुत टाइम लगा था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी एक्चुअली। अच्छा हो गया था मैं शाम को गई थी सारे काम वगैरह करके, तो इसीलिए मुझे इतना मतलब टेंशन नहीं था कि क्या करना है, मतलब घर पे जाना है कुछ करना है, ये सारा टेंशन नहीं था, बट इतना ज़्यादा फिर अभी ब्लो ड्राई हो गया है तो आप देख सकते हो इसी टाइम बहुत ज़्यादा शाइन आ गई थी, बट जो ये आप बाल देख रहे हो ना मतलब ऊपर आए हुए, मतलब ये जो बेबी हेयर्स रहते हैं जो हमारे ऊपर आ जाते हैं,
ये पूरी प्रोसीजर के बाद यानी कि स्मूदनिंग के बाद पूरी प्रोसीजर के बाद ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये टेक्निक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उनकी। मतलब इस तरह से ये ना ऐसे टेढ़े करके ब्रश को मतलब ब्लो ड्राई करते हैं ना, तो उसी टाइम स्ट्रेट हो जाते हैं आपका, बट वो स्ट्रेट मतलब नॉर्मल स्ट्रेट रहते हैं। जब स्ट्रेटनिंग से आप स्ट्रेट करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट लगते हैं, बट इसी तरह से वो स्ट्रेट करते हैं हेयर पहले ड्रायर से, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसे स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं। और उनका स्ट्रेटनर भी नॉर्मल नहीं रहता है जैसे हमारे पास होता है, उस टाइप का उनका स्ट्रेटनर नहीं रहता है, प्रोपनल रहता है। और उनकी उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हीट मतलब यूज़ करते हैं वो। और स्ट्रेटनिंग करने के लिए ना सबसे पहले कंडीशन कर लेते हैं, और जिनके ज़्यादा ही पतले बाल है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे इतने ज़्यादा पतले बाल नहीं हैं, फिर भी मेरे बाद में फिर पतले दिख मतलब पतले दिख रहे थे, क्योंकि वो एकदम चिपक जाते हैं ना बाल, तो इसी वजह से आपके बहुत पतले दिखते हैं बाल। अगर आपके ऑलरेडी पतले हैं तो स्मूदनिंग की वजह से तो और भी ज़्यादा पतले दिखने लगेंगे। और जिनके ज़्यादा घने हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है मतलब स्मूदनिंग वगैरह, क्योंकि उनके बाल अगर घने होते हैं तो एकदम फूले फूले से लगते हैं, तो उनके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं इससे। और छोटे छोटे पार्टीशन में वो अभी भी ले रहे हैं, और इतने टाइम तक उन्होंने स्ट्रेटनर घुमाया था एक पार्टीशन में, मतलब इतना छोटे से पोर्शन में उन्होंने मतलब मैंने एक बार गिना भी था कि कितने टाइम में वो स्ट्रेटनर घुमाते हैं उस पर, तो वो हुआ था 15 से 17 टाइम तक। मतलब आप सोच सकते हो छोटे छोटे पार्टीशन में 15 से 17 टाइम तक वो क्या बोलते हैं स्ट्रेटनर घुमाते हैं, तो आप सोच सकते हो इतने बड़े बालों में मतलब इतने ज़्यादा बालों में कितने टाइम तक वो स्ट्रेटनर घुमाते होंगे और कितना टाइम लगता होगा इसमें। और वो एक्चुअली मैं थक गई थी बैठे बैठे, बट वो नहीं थक रहे थे, और उनका तो डेली का ही काम है, एक दिन में तो उनके पास 2-3 तो कस्टमर स्मूदनिंग के लिए आ ही जाते होंगे, बट वो बिल्कुल नहीं थकते। और वो भैया मेरा टाइम पास होने के लिए मुझसे बातें भी कर रहे थे, मतलब बता भी रहे थे एक्चुअली उनके बारे में, मतलब सारा कुछ कहाँ कहाँ वो पढ़े हैं, कहाँ कहाँ क्या किया है, मतलब यहाँ पर कैसे जॉब कर रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने बताया भी था कि मुझे मतलब टाइम पास कराने के लिए मेरा। और इसी तरह से फिर वो बहुत बार मतलब स्ट्रेट करते हैं हेयर, और इसी वजह से वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं फिर। और उसके बाद ना आप देख सकते हो मतलब जो हीट होती है उसकी वजह से कितनी ज़्यादा वो हो रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेट हो जाने के बाद एक न्यूट्रलाइजर करके लगाते हैं वो, उसके बाद भी ये क्रीम, ये वाला क्रीम लगाया जाता है। और माही भी थोड़ा सा मतलब वहाँ पर वो लेडी जो थी तो वो फेशियल करा रही थी मतलब, और दूसरी लेडीज़ मतलब बहुत लेट हो गया था, तो इसी वजह से वो दूसरी लेडीज़ दूसरे इसमें काम कर रही थी, मतलब वो जो साइड में बैठी है मेरे पास तो उसमें काम कर रही थी, तो थोड़ी देर के लिए भैया ने वो माही को पकड़ा दिया था साइड के। और इस तरह से पूरा न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है पूरे बालों में मतलब स्ट्रेट होने के बाद, ताकि ये पूरे अच्छे से स्ट्रेट हो जाए हेयर। और उसके बाद थोड़ी देर में न्यूट्रलाइजर जो है वो वॉश किया जाता है तीसरा से। और इस टाइम भी उन्होंने आई थिंक शैम्पू यूज़ नहीं किया था, तो इसके बाद ड्राई करके वो बालों को छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ही स्ट्रेटनर का यूज़ नहीं करते हैं लास्ट के प्रोसीजर में, बस ब्लो ड्राई करके बालों को छोड़ देते हैं। और इसके बाद आप मेरा फाइनल लुक देख लोगे, मैं घर पे जाने के बाद आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। मेरी स्माइल से आप लोगों को पता चल गया कि मैं कितनी खुश हूँ खुश हूँ। एक्चुअली बाल इतने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब हाथ लगाने का मन मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इस टेढ़े मेढ़े ना हो जाए बा। और आप शाइन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शाइन आ गई है इसमें, और स्ट्रेट देखिए कितने। बट ना केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसकी, मतलब उन्होंने बताया है क्या क्या केयर करनी है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, लेकिन पहले ना आपको इनका रिएक्शन दिखाती हूँ। हाँ अहो इकड़े या इकड़े या। पहले हाँ कसे वाटत माझे केस सांगा पहिल्यांदा। या इथे बसा सरांना सांगा, इनको तो ड्यूटी जाना है, इसी वजह से ये रेडी होके बैठे हैं यहाँ पे। अरे बताओ आप एकदम छान अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे और अच्छे लग रहे हैं एकदम, कैसे एकदम कैसे मतलब चाइनीज गर्ल बना दिया मुझे। हाँ बताओ अब, चाइनीज गर्ल के जैसे लग रहे हैं हाँ, और बालों में चमक भी है, शाइनिंग आ गई इसमें, और लेंथ बढ़ गई क्या? लेंथ तो काफी बढ़ी हुई, और सिर्फ मैं इसमें साइड इफेक्ट नहीं हुआ कुछ, मतलब
कैसे? मतलब कोई केमिकल वेमिकल लगा है इतना? हाँ नहीं, केमिकल से कुछ नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन वो पता नहीं अभी कुछ दिनों के बाद केमिकल लगाया तो खराब तो होने वाले है बाल, बट अभी फिलहाल कैसे दिख रहे हैं? फिलहाल तो एकदम नंबर वन लग रहा है, वाव लग रहा है भाई, अजीब वाह, लग रहा है। अद्विक अद्विक बोल रहा था, आते ही बोल रहा था कि मेरे बाल कैसे लग रहा है। मैंने पूछा उसे, आओ इधर इधर आओ इधर आओ, अजीब एकदम वाव अद्विक अद्विक मेरे बाल कैसे लग रहे हैं बता, इधर आओ इधर आओ ये मत दौड़े, इधर आओ, पूछते हैं अजीब अद्विक बताओ मामा। अद्विक बताओ मेरे बाल के एकदम चाइनीज। एकदम चाइनीज। हाँ अगर कोई चाइना वाले मुझे देख रहे होंगे अजीब तो अजीब अद्विक कैसे कैसे एकदम वाव लग रहा है क्या? हाँ नूडल्स बन गए अजीब। और माही आपको पसंद, माही तो बोल रही थी उसी टाइम, बोल रही थी मुझे भी मम्मा आपके जैसे ही बाल चाहिए, माही जिद कर रही थी मुझे भी अभी आपके जैसे ही बाल चाहिए। अजीब क्यों कराना है ऐसे? हाँ अद्विक के भी करेंगे ऐसे ही। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एक्चुअली, बाप रे मेरे मतलब मेरा सपना पूरा हो गया कितने दिनों का, और ना बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी इसकी। सोना नहीं मिलेगा? हाँ सोने सोने मतलब ठीक से सोने भी नहीं मिलेगा मुझे, और क्या क्या बोल रहे थे, शैम्पू अलग से यूज करना पड़ेगा, कंडीशनर अलग से यूज करना पड़ेगा, सीरम अलग से यूज करना पड़ेगा उनका, जो उनके यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे जब मैं वॉश करने जाऊंगी, और ना मतलब क्या क्या बोल रहे थे, हाँ आज केयर करनी है, मतलब इतना अच्छे धूल से नहीं सोना लगना है, चाहिए। धूल मिट्टी पसीना नहीं आना चाहिए और पानी नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, फेस वॉश भी नहीं करना है बोल रहे थे, फेस वॉश भी नहीं करना है, नहाना नहीं है, ऐसे समझो कि आप बीमारी हो 2 दिन, और 2 दिन फेस वॉश नहीं करना है और 2 दिन बोले नहाना नहीं है। तो फेस वॉश तो मैं ऐसे भी मतलब मेकअप रिमूवर से कुछ कर सकती हूँ, बट नहाना नहीं है बोल रहे हैं, 2 दिन नहीं नहाना है बोल रहे थे। नहीं हाँ बस इतना ही बोल रहे थे कि 2 दिन नहीं नहाना है, मतलब जब मैं फ्राइडे को बुलाया है उन्होंने, फ्राइडे के दिन वो करना है मतलब वॉश करना है इसे, और बाप रे इतना मतलब लेंथ भी मुझे लग रहा है कि लेंथ भी ऐसे लग रहा है कि मतलब स्ट्रेट होने से लेंथ भी बड़ी लग रही है, और साइड करके ऐसे सोना है ना तो पूरा मतलब नींद पूरी नहीं होगी मेरे 2 दिन तक तो, हाँ आज भी और कल भी मेरी नींद नहीं पूरी होगी, क्योंकि 2 दिन तक तो ऐसे ही सोने के लिए मिलेगा नहीं अच्छे से, बट अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ऐसे टाइप का हो गया है मेरा, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मतलब बार बार हाथ लगाने का मन कर रहा है इसे। लेकिन हाँ और ना मतलब वो कान के पीछे नहीं करना है, ऐसे ही रखना है बोल रहे थे, कान के पीछे नहीं करना है, नहीं तो उसको जैसे आप मोड़ोगे क्लचर नहीं लगाना है, क्लिप नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं, रबर बैंड नहीं लगाना है, मतलब जैसे बोल रहे थे कि वो आप मोड़ोगे उसे वैसे ही उसका मतलब वो मुड़ जाएंगे बोले हमेशा के लिए, जैसे परमानेंट मुड़ जाएंगे बोले, तो नहीं वो उसका कुछ नहीं होता, तो इस तरह से मतलब जैसे टाइट बांधोगे ना उस टाइप का, तो ऐसे बोल रहे थे वो, तो इसी वजह से अभी उसका कुछ नहीं करना पड़ेगा और ना नहाना पड़ेगा, 2 दिन मैं कैकली रहने वाली हूँ। कैकली कैकली मीन्स मराठी में बोलते हैं ना कैकली मीन्स, हाँ जो मराठी है उनको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ये एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ, और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, तो और हाँ मेरा जो न्यू लुक है वो कैसा लगा जरूर बताना मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा पुराना लुक आपको अच्छा लग रहा था कि अभी न्यू लुक अच्छा लग रहा है, मतलब न्यू लुक मीन्स अभी फिलहाल तो मैं हेयर स्टाइल वगैरह कुछ कर नहीं सकती, तो बाद में मैं हेयर स्टाइल कर पाऊंगी जब हेयर वॉश हो जाएगा उसके बाद हेयर स्टाइल कर पाऊंगी, तो अभी ऐसे रखना है मुझे 2 दिन तक, तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।